वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम नेपाल की वायरल रोड से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि ये रोड बहुत वायरल है। यहाँ क्षेत्रीय आसपास के इलाकों में इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्योंकि और इस रोड का नाम इन्होंने वायरल रोड रखा है। शायद इसको किसी ने वीडियो बनाया था और वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, उसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गया वीडियो, और उसी वीडियो को देखने के बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस रोड को देखने, और काफ़ी फेमस है नेपाल में ये रोड। तो ये रोड जो है ये इंडिया नेपाल बॉर्डर में जो महाकाली नदी बहती है, महाकाली नदी इन द मतलब शारदा नदी, इंडिया में हम उसे शारदा नदी या काली नदी बोलते हैं और यहाँ नेपाल में उसको महाकाली नदी का नाम से जाना जाता है। तो महाकाली नदी के किनारे पर नेपाल की साइड पर बनी हुई है ये रोड, और ये वायरल रोड है नेपाल की। तो आप भी देख लीजिए वायरल रोड नेपाल की। तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है झूला पुल। झूला पुल यानी हम इंडिया में उसको झूला पुल कहते हैं, नेपाल में उसको महाकाली सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, जो इसी नदी पर बना हुआ है। जो साइड में आपको नदी दिखाई दे रही है बहती हुई, इसी नदी पर इंडिया नेपाल पर नहीं है वो, एक्चुअली है वो नेपाल में ही है प्रॉपर, लेकिन वो इस नदी को क्रॉस करने के लिए बनाई गई है। तो सस्पेंशन ब्रिज है और काफ़ी फेमस है यहाँ नेपाल में नहीं, एक्चुअली इंडिया में भी बहुत फेमस है। वहाँ हमारे जो बॉर्डर के पास के लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ देखने के लिए। हम भी कई बार आए हैं इंडिया से उसे देखने के लिए, लेकिन हम इंडिया वाली साइड से आए हैं, आज हम नेपाल वाली साइड से उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं महाकाली सस्पेंशन ब्रिज कैसा है, और आपको भी दिखाती हूँ मैं। वायरल रोड है ये, वो जो सामने अगर आपको दिख रहा हो तो ये ब्रिज है। इस ब्रिज को, ये ब्रिज पूरा बना नहीं है, तो इस ब्रिज तक ही ये वायरल रोड जा रही है, और इसी ब्रिज को कनेक्ट करती है ये, और नेपाल से इंडिया को कनेक्ट करती है। तो ये है नेपाल का झूला पुल, जिसे नेपाल में महाकाली सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक है इसका, अभी कितना अच्छा दिख रहा है ये, और इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, इसकी इस कब बना और लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप ये देख लीजिए आसपास, ये है, इसी को हम देखने के लिए आए हैं, यही हम घूमने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम ब्रिज पर और बातें करते चलेंगे और इसके बारे में जानते हुए चलेंगे। तो वो सामने प्यारी भाभी हमारी खड़ी है और प्रीशा सो गई है, तो चलिए आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं मेटल का बना हुआ है ये ब्रिज, और साइड में ये इन्होंने नेट बनी हुई है, नेट दोनों तरफ से। ये ब्रिज नेपाल में दो इलाकों को जोड़ता है जो इस नदी के दोनों ओर बसे हुए हैं। तो ये दुधारा और चंदनी को जोड़ता है। दुधारा है नेपाल की साइड और चंदनी है इस रिवर की दूसरी साइड, यानी भारत की साइड में है, वो भी नेपाल का ही एरिया है, इसीलिए इस ब्रिज को दुधारा चंदनी सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है। ये 2005 में बन के तैयार हो गया था, खुल गया था लोगों के लिए, और जो इसकी लंबाई है ये है लगभग 1.5 किलोमीटर, 1452 या 50 मीटर के लगभग है। तो ये 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.6 मीटर, यानी 1.5 मीटर के लगभग है, 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये तो इसकी होगी लंबाई चौड़ाई की बात है, और ये कब बना। ये ब्रिज मेनली पैदल चलने के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसमें बाइक और साइकिल से भी लोग आते और जाते हैं, तो इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और ये है नज़ारा, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू है चारों तरफ का। इस ब्रिज में सपोर्ट के लिए ये जो आपने देखा होगा रेलिंग सी बनी हुई है, ये जो नेट बना हुआ है ये रेलिंग की तरह इसको यूज़ किया जाता है, और जो ये इसमें ये रस्सियाँ जैसे दिखी हैं ये सब मेटल की बनी हुई हैं। और ये आप देख रहे हैं टावर, इस तरह के 8 टावर इसमें बने हुए हैं, और ये सारे जो टावर हैं इनकी जो हाइट है वो लगभग 107 फीट, यानी 32 मीटर के लगभग है, 32.5 या 32.5 इतने मीटर के लगभग इसकी हाइट है, और 8 टावर हैं ये पूरे।
तो इस तरह से ब्रिज बना हुआ है, और जो दो टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 मीटर या 200 205 मीटर, इतनी इनके बीच की जो डिस्टेंस है। झूला पुल के नज़ारे हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, सुपर सुपर है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये लोहे का बना हुआ ब्रिज है, देखिए वहाँ जिस बाइक में आए थे, फिर उस तरफ से आए थे, इंडिया की तरफ से ना, तो यहाँ तो बाइक में आए थे हमारे, उस तक इधर को तो नहीं आए, उधर ही थे मतलब। हाँ, लेकिन कितना मजबूत बनाया होगा ना ये पुल। तो ये भैया हमें बता रहे हैं कि जब वो पुल बन जाएगा, जो मैंने इससे पहले भी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ब्रिज जो टूटा हुआ है ना, वो अगर बन जाएगा तो इसके बाद यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा, तो यही भैया हमें बता रहे हैं। ये लोहे की रॉड बनी हुई है जो ऊपर जा रही है, इसे तय किया गया है और ये हिल रहा है, और कुछ इस तरह से डायगोनल सपोर्ट दिया गया है इसको, आप देख सकते हैं ये इस तरह से, तो दोनों तरफ से ये इसी तरह का सपोर्ट है इसमें, दोनों सपोर्ट सिस्टम, यहाँ से भी देख लीजिए आप, ये यहाँ भी बना हुआ है और दोनों साइड में बने हुए हैं, तो हर तरह से इसको सपोर्ट देकर और काफ़ी अच्छा और मजबूत मजबूती से इसे बनाया गया है। तो ये है झूला पुल, और ये महाकाली नदी में भी पानी कम है क्योंकि बरसात भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। झूला पुल का आनंद लेते हुए कैसा लग रहा है मम्मी? आज से पहले कब आए थे झूला पुल देखने? और यहाँ फर्राटे से बाइक चलाते हुए लोग आ रहे हैं जो काफ़ी डरा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल इनकी जब बाइक चल रही है तो पूरा पुल हिल रहा है। आजकल भी सिलेंडर की जरूरत पड़ती है ना, वो होती है ये टावर है, ये देखिए टावर, इस तरह के टावर बनाए गए हैं ऊपर तक। और यहाँ से इस तरह का सपोर्ट दिया गया है, और अब हम वापस जा रहे हैं। झूला पुल कुछ इसी तरह का है बिल्कुल दोनों तरफ, तो ये देखिए दोस्तों ये है झूला पुल। तो चलिए अब चलते हैं वापस, और ये अम्मा है और ये भाभी है, तो क्योंकि अम्मा को अस्थमा की प्रॉब्लम है इसलिए अम्मा ज़्यादा चल नहीं पाई। तो अम्मा कैसा लगा? अच्छा लगा, चल ही नहीं पा रही हूँ। यहीं पर था, कैसा लगा फिर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और भाभी आपको क्या, कहाँ तक पहुँच गया? पा रही नहीं, दो यहीं पर तो गए अभी, तो नहीं तो तिहाई हिस्सा कम्प्लीट किया, दो हिस्से और बचे हैं। हाँ, पाँच हिस्से हैं ना? ना ना, जैसे अगर बोला जाए तो एक तिहाई कर पाए हम, बाकी उतना ही बचा, चल ही नहीं पाए, उतना बहुत दूर है, 1.5 किलोमीटर लंबा है ये, यहाँ से वहाँ तक 1.5 किलोमीटर है, कौन चल पाएगा अभी इतनी समय? गाड़ी हो, पिछली बार तो हम आए थे तो गाड़ी में। देखिए घर चल रहे हैं। हाँ,